अदाकारा ते संसद मेंबर कंगना रनौत एक बार फिर किसानों बारे दिते बयान नूं लैके चर्चा दे विच है। कंगना ते वार वार इल्जाम लगदे ने कि वो पंजाब नूं निशाना बनाउंदी है। हुण एक बार फिर तो उन्होंने हालिया इंटरव्यू दे विच दिते बयान नूं वो चर्चा दे विच ने। कंगना रनौत ने कहा कि जेकर साडी शिखरली लीडरशिप मजबूत ना हुंदी तां किसान अंदोलन दौरान पंजाब वी बंगलादेश दे विच तब्दील हो जाणा सी। कंगना रनौत वालों कहा गया। कंगना ने कहा कि पंजाब च किसान अंदोलन दे नाते बदमाशी ते हिंसा फैलाई गई, उत्थे बलात्कार ते कतल होए ने, किसान बिल वापस लै ले गए, नहीं तां इन्हां बदमाशा दी बहुत लंबी योजना सी, ओह देश दे विच कुछ भी कर सकते सन। दस दिए कि कंगना रनौत जल्द ही फिल्म एमरजेंसी दे विच नजर आवेगी। इस फिल्म च उसने साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। कंगना ने कहा है कि विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी नूं वी इह फिल्म देखनी चाहीदी है। कंगना ने दावा कीता है कि राहुल गांधी नूं इह फिल्म जो है जरूर पसंद आवेगी, भावें उह इस नूं जनतक तौर ते स्वीकार करन जां ना करन। एक निजी चैनल नूं दित्ते इंटरव्यू दे विच कंगना ने औरतां दी सुरक्षा बारे भी गल कीती है। कंगना ने कहा है कि उह इंडस्ट्री दे विच हमेशा तो आइटम गाणियां दा विरोध करदी आ रही है। आइटम डांस दे विच अभिनेत्रियां नूं इतराजयोग दर्शाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दूजे पासे इस समाज दे विच भी गलत संदेश पहुंचाउंदा है। कलकत्ता च महिला डॉक्टर नाल होए रेप दे मामले ते कंगना रनौत ने बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि औरतां दी सुरक्षा मेरे लिए हमेशा चिंता दा विषय है, मैं इस बारे बहुत ज़्यादा गंभीर हाँ। अपनी समर्थता दे हद तो मैं हमेशा औरतां दे समर्थन दे विच आवाज़ चुकदी आ रही हाँ। 10 साल पहला आमिर खान जी दे शो सतमेव जयते दे विच मैं फिल्मां दे विच आइटम गाणियां दा खुल के विरोध कीता सी कि औरतां दा शरीर सिर्फ मनोरंजन लई हुंदा है।